Hello children, as in the previous video I have explained you about the subregions of small intestine. We have studied about its location, the intestinal villi, bile juice. Now we are going to continue with pancreatic juice. Beta, this pancreatic juice is produced from a gland which is called as pancreas. Pancreas se pancreatic juice release hota hai. और ये पैंक्रियास कैसा है, वाइटिश ग्लैंड है जो स्टमक के जस्ट नीचे, लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक. यू कैन सी इट्स लोकेशन हियर, यहाँ पर ये देखिए स्टमक के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है, पैंक्रियास इस पोर्शन में. ठीक है, अब ये पैंक्रियास में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इट इज़ अ मिक्स ग्लैंड और वी कैन सी इट इज़ अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड विच प्रोड्यूसेस बोथ हॉर्मोन्स एज वेल एज द जूस, राइट. सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, एक्सोक्राइन पार्ट है. इसके पास पैंक्रियाटिक डक्ट है जो डियोडेनम में ओपन हो रही है, ये देखिए. और यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस कहाँ आएगा, डियोडेनम में आएगा. ठीक, तो लेट अस सी द कॉम्पोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस. पैंक्रियाटिक जूस में तीन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, अमाइलोप्सिन, ट्रिप्सिन एंड स्टिएप्सिन. लेट अस स्टार्ट विद अमाइलोप्सिन. अब अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड चलाएं तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज. इसका काम होता है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना. अच्छा, अगर फिर भी फूड में हमारे स्टार्च रह जाएगा तो लेफ्ट ओवर स्टार्च पर कौन एक्ट करेगा, एमाइलोप्सिन, और कन्वर्ट करेगा उसको किस में, माल्टोज में. देन कम टू द नेक्स्ट एंजाइम ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन इज अगेन अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. ठीक है, ट्रिप्सिन लेकिन सिक्रीट होता है एक इनएक्टिव फॉर्म में, उसे हम कहते हैं ट्रिप्सिनोजेन. और इस ट्रिप्सिनोजेन पर एक अलग से एक एंजाइम एक्ट करता है जिसे हम कहते हैं एंटरोकाइनेज. और ये एंटरोकाइनेज इसको एक्टिवेट कर देता है किसमें, ट्रिप्सिन में. मैं फिर से बोल रही हूँ, ट्रिप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है ट्रिप्सिनोजेन फॉर्म में, ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंटरोकाइनेज. अब ये ट्रिप्सिन किस पर एक्ट करेगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था कि पेप्सिन 20% प्रोटीन पर एक्ट करता है जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है पेप्सिन. ठीक है, अब बचा हुआ 80%, तो वो 80% प्रोटीन्स पर एक्ट करेगा कौन, ट्रिप्सिन. प्लस जो 20% प्रोटीन को पेप्सिन ने डाइजेस्ट किया था पेप्टाइड्स में, उन पेप्टाइड्स पर भी कौन एक्ट करेगा, ट्रिप्सिन. और हमें फाइनली देगा, प्रोटीन से हमें मिलेगा पेप्टाइड्स और पेप्टाइड से हमें मिलेगा अमाइनो एसिड्स. ये हो गया हमारा ट्रिप्सिन का फंक्शन. अब बात करते हैं स्टिएप्सिन की. बाइल को जिसने, बाइल ने फैट को इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट किया था, तो स्टिएप्सिन अब इमल्सिफाइड फैट पर एक्ट करेगा और इसे कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में. आई होप इतना समझ में आ गया. मैं फिर से बोल रही हूँ, पैंक्रियाटिक जूस में तीन एंजाइम्स, एमाइलोप्सिन, ट्रिप्सिन, स्टिएप्सिन. एमाइलोप्सिन एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो लेफ्ट ओवर स्टार्च है उस पर एमाइलोप्सिन एक्ट करेगा और हमें देगा माल्टोज. ट्रिप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, इनएक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिनोजन, एंटरोकाइनेज की प्रेजेंस में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एक्ट करेगा हमारा 80% प्रोटीन्स पर और पेप्टाइड्स पर, जिससे हमें पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स मिलते हैं. रिस्पेक्टिवली हम टर्म यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन पर एक्ट कर रहा है, तो प्रोटीन से पेप्टाइड्स मिल रहे हैं और पेप्टाइड्स पर एक्ट करेगा जो पहले से थे, उन क्या देगा, अमाइनो एसिड्स. अब स्टिएप्सिन की अगर हम बात करें तो ये फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ये इमल्सिफाइड फैट पर एक्ट करेगा और हमें देगा फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. सो दिस वाज अबाउट पैंक्रियाटिक जूस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंटेस्टाइनल जूस, यानी कि डियोडेनम वाले पोर्शन में. एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर जब काइम आया तो यहाँ पर दो चीज़ें आई, एक आया बाइल और दूसरा आया पैंक्रियाटिक जूस. दोनों ने अपना काम कर लिया, अब ये फूड आगे बढ़ रहा है. जब ये इलियम वाले पार्ट में आएगा तो इलियम में प्रेजेंट है इंटेस्टाइनल विलाय
और विलाय से अब्जॉर्प्शन भी होगा, उसके साथ साथ यहाँ वाला जो सेल्स हैं जो ग्लैंडुलर नेचर की हो जाती हैं ये सिंथेसाइज करेंगी इंटेस्टाइनल जूस। अब इंटेस्टाइनल जूस में क्या प्रेजेंट होता है? इरिप्सिन, माल्टेज, सुक्रेस, लैक्टेज एंड लाइपेज। इरिप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो अब फूड में जो भी पेप्टाइड्स बचे होंगे उन पेप्टाइड्स को पर इरिप्सिन एक्ट करेगा और क्या देगा? अमाइनो एसिड्स, यानी कि ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम हुआ। अब माल्टेज एक्ट करेगा माल्टोज पर और हमें देगा दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। सुक्रेज एक्ट करेगा सुक्रोज पर और हमें देगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और लैक्टेज एक्ट करेगा लैक्टोज पर और हमें देगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अब फाइनली बचा हमारा फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसे हम कहते हैं लाइपेज। अब ये लाइपेज इमल्सिफाइड फैट पर एक्ट करके हमें क्या देता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। दिस वॉज ऑल अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द जूसेस रिलीज्ड देयर। नाउ इन द अपकमिंग वीडियो और इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। देयर वी विल रिवाइज द एंटायर प्रोसीजर एंड ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द एसिमिलेशन ऑफ फूड। थैंक यू।